हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं लेकर चलता हूं आपको सीधा अपने लैपटॉप की डिस्प्ले पर, और मैं आपको बता देता हूं कि अपनी वीडियो को परमानेंटली कैसे डिलीट किया जा रहा है। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप की डिस्प्ले पर। तो दोस्तों, आ चुका हूं अपनी लैपटॉप की डिस्प्ले पर, और यहां मैं आपको दिखा देता हूं कि अपनी वीडियो को कैसे डिलीट किया जाता है। जैसा आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, यहां से आप राइट क्लिक करके और स्टूडियो यूट्यूब स्टूडियो में आपको जाना है। यूट्यूब स्टूडियो में जाने के बाद आपको कंटेंट में जाने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कितनी सारी मेरी वीडियो पड़ी है, और मैं आपको पहली वीडियो को डिलीट करके दिखाने वाला हूं। जैसा कि हम यहां पर कंटेंट में आते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं जो सी भी वीडियो आपको डिलीट करनी है उसके आप यहां पर थ्री डॉट्स पर ऑप्शंस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ है एडिट टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शंस, गेट शेयरेबल्स लिंक एंड प्रमोट डाउनलोड एंड डिलीट फॉरएवर। तो मैं यहाँ पर डिलीट फॉरएवर कर देता हूँ। डिलीट फॉरएवर के बाद यहाँ पर मैं आई अंडरस्टैंड दैट डिलीटिंग इज परमानेंट एंड कॉन्ट बी अनडन, इस पर टिक करने के बाद मैं यहाँ पर डिलीट फॉरएवर जब मैं कर दूंगा तो यहाँ से वीडियो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। मतलब डिलीट यहाँ से फॉरएवर करती हमेशा के लिए वीडियो यहाँ से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर जो वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।